हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे मठरी। मठरी बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। आप मैदा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आटे को छन्नी में छान लेंगे। इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हथेली के बीच में इस तरह से मसल के डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 45 ग्राम घी या रिफाइंड। आटे को मोयन करने के लिए, मोयन करने से मठरी क्रिस्पी बनेगी। तेल को आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे। तेल अच्छे से मिक्स हो गया है आटे में। आटे को गूंदने के लिए पानी रूम टेम्परेचर पे लेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटे को टाइट गूंदेंगे। आटा गूंद गया है, ये देखिए टाइट डो बनाना है। आटे को 15-20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं आटे को रखे हुए। हाथ पे थोड़ा सा पानी या तेल लगा लेंगे। आटे को एक बार और गूंद के चिकना कर लेंगे। थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरह से गोल कर लेंगे। इसी तरह से छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। सारी लोई बन गई हैं। एक लोई लेंगे और लोई को बेलन की हेल्प से बेल लेंगे। लोई को बेलने के लिए मैंने सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं किया है। हमने आटा गूंदते समय इसमें तेल मिलाया है। लोई आसानी से बेल जाएगी। ये देखिए इस तरह से इतना पतला बेल लेंगे। इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा रिफाइंड या घी। मैं रिफाइंड लगा रही हूँ। थोड़ा सा सूखा आटा, एक चुटकी पिसी हुई लाल मिर्च फैला देंगे इस तरह से और इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। मठरी को हल्के हाथ से दबा देंगे। ये देखिए इस तरह से ट्रायंगल शेप में बना लेना है। चाकू या फोक की हेल्प से मठरी को इस तरह से प्रिक करेंगे। सारी मठरियाँ इसी तरह से बना लेंगे। एक लोई और बेल के दिखाती हूँ मैं। ये देखिए थोड़ा सा तेल लगाएंगे, सूखा आटा, पिसी हुई लाल मिर्च फैला देंगे, फोल्ड करेंगे, दबाएंगे इस तरह से, एक फोल्ड और करेंगे, दबा देंगे। ये देखिए सारी लोइयाँ इसी तरह से बेल के फोल्ड कर लेंगे। मठरी फ्राई करने के लिए तेल को गरम कर लेंगे। तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए आटे का टुकड़ा डाल के देखेंगे तेल में। आटा तैर के तेल के ऊपर आ गया है लेकिन जला नहीं है। तेल का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है मठरियाँ फ्राई करने के लिए। मठरियों को तेज गर्म तेल में फ्राई ना करें, मठरियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से जल जाएंगी। गैस फ्लेम लो है, तेल हल्का गरम है। एक एक करके मठरियों को इसमें डालेंगे एक साइड से। जितनी मठरियाँ एक बार आसानी से तेल में आ जाएं उतनी ही फ्राई करनी है। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देंगे तेल में मठरियों को, उसके बाद पलटेंगे। आधा मिनट हो गया है मठरियों को फ्राई होते हुए।
पलट देंगे। मटरियों को धीमी आंच पे हल्के गरम तेल में क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। बीच बीच में अलटते पलटते रहेंगे। मटरियों में लाइट ब्राउन कलर आ गया है। एक बैच फ्राई हो गया है, निकाल लेंगे तेल में से। गैस फ्लेम लो है, तेल हल्का गरम है। बाकी बची हुई मटरियाँ भी इसी तरह से धीमी आंच पे हल्के गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। और सारी मटरियाँ फ्राई करने के बाद गैस फ्लेम बंद कर देंगे। सारी मटरियाँ बन गई हैं। एक मटरी तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, अच्छे से फ्राई हुई है, क्रिस्पी बनी है। अगर आपको मटरी की ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।